किसान भाइयों नमस्कार। इंडियन फार्मिंग ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ किसान भाइयों ने पूछा है कि धान में फुटाव के समय पोटाश के साथ क्या बोरान और कैल्शियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। जो किसान भाई अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, लाइक कमेंट और शेयर भी करें। किसान भाइयों, पोटाश पौधे में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण और स्थानांतरण के साथ ही दाने के निर्माण में भी सहायक है। पोटाश की कमी से बालियां छोटी एवं कमज़ोर हो जाती हैं। अधिक कमी होने पर बालियों में दाने बहुत छोटे व ऊपरी भाग में होते ही नहीं हैं। पोटाश कल्ले बनने से लेकर दाने बनने तक प्रभावकारी भूमिका अदा करता है। दानों में चमक व वजन में वृद्धि भी करता है। बोरान सूक्ष्म पोषक तत्वों के समूह में एक प्रमुख आवश्यक पोषक तत्व है। बिना बोरान के पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। बोरान पौधों की कोशिकाओं में घुलनशील रूप में होता है। बोरान की कमी से नई कलियां बनना बंद हो जाती हैं। इसकी कमी से फूलों में निषेचन की क्रिया बाधित हो जाती है, क्योंकि परागण एवं परागनली के लिए बोरान एक आवश्यक पोषक तत्व है। कैल्शियम भूमिगत जीवाणुओं की प्रक्रिया बढ़ाने में मदद करता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिर करने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट के संचालन में भी सहायता करता है। इसकी कमी होने पर फल एवं फलियां अपरिपक्व दशा में ही मुरझा जाती हैं। किसान भाइयों, पोटाश, बोरान और कैल्शियम पौधे के लिए कितना आवश्यक है जरूर जान गए होंगे। यदि आपको लगता है कि पौधे को पोटाश के साथ बोरान और कैल्शियम देना भी आवश्यक है तो आप बिल्कुल पोटाश के साथ बोरान और कैल्शियम का प्रयोग कर सकते हैं। पोटाश में दोनों को मिलाने से कोई दिक्कत नहीं होगी, फसल पर इसका कोई कुप्रभाव भी नहीं पड़ेगा। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।